ओम शांति। यह है बंबई का चलाया हुआ प्रातः क्लास 8 जनवरी 1964। वहां भक्ति मार्ग में जिज्ञासु कहेंगे और यहां ज्ञान मार्ग में बच्चे कहेंगे। और कोई भी सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे कैसे नहीं कहेंगे? बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। यहां ज्ञान मार्ग में ही बच्चे कहते हैं, जो बैठ करके भाषण करने वाले होंगे या कुछ सुनाने वाले होंगे तो कहेंगे ये हमारे जिज्ञासु बैठे हैं, या तो कहेंगे ये हमारे फॉलोअर्स बैठे हैं, या तो ये सभी जानते हैं कि बाप दादा या मात पिता बैठे हैं। तो देखो ये बिल्कुल ही नई बातें हैं ना। जो भी नया होगा ये बात को बिल्कुल नहीं समझेगा। वो समझेगा कि ये कोई महात्मा बैठा हुआ है, यहां कोई महात्मा तो आए नहीं। यहां ये बच्चे जानते हैं, इनकी बुद्धि में है कि जो हमारा बेहद का बाप है वो आकर के हमको श्रीमत देते हैं, क्योंकि वो है श्रीमत। उसको ही कहा जाता है श्रीमत, भगवान की श्रीमत। भगवान कौन सा? कृष्ण तो नहीं है? उनको रुद्र कहा जाता है। किनको? भगवान को। भक्ति मार्ग में दोनों अक्षर डाल दिए हैं तो मुझ गए हैं, क्योंकि रुद्र ज्ञानी यज्ञ है, कृष्ण ज्ञानी यज्ञ तो नहीं है ना। ये रुद्र ज्ञानी यज्ञ है। जिस ज्ञान यज्ञ से रुद्र यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो श्री रुद्र भगवान वाच, रुद्र भगवान वाच या शिव भगवान वाच, बात एक ही होती है। तो भक्ति मार्ग में ये भूल हुई है ना। यहां जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको ये नहीं देखना है कि ये फलाना महात्मा बैठा हुआ है, क्योंकि उन सत्संगों में महात्माएं तो बदलते रहते हैं ना। कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया।
तो मनुष्यों की बुद्धि पूर्ण महात्माओं में रहती है, ये क्या समझाते हैं? आज क्या समझाते हैं वो बोलेंगे, आज गीता पर समझाते हैं, उपनिषद पर समझाते हैं, वेद पर समझाते हैं, भागवत रामायण फलाना ये सब होता रहता है। यहां तो तुम लोग समझते हो कि ये बातें बाप नहीं बताते हैं, ये बाबा तो अपना परिचय देते हैं। बाप का परिचय बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। तो बाप आए तभी तो बच्चों को बाप का परिचय मिले, बाप नहीं तो बच्चों को बाप का परिचय कहां से आए? बाप या बाबा तो सभी कहते रहते हैं, कहते हैं ओ परमपिता परमात्मा रहम करो मेहर करो, ओ पिता। अभी यहां बच्चे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल एकदम नई बात है। यहां कोई जिज्ञासु या फॉलोअर्स की बात नहीं है और कृष्ण भी नहीं है। फिर कृष्ण भगवान की गौशाला भी नहीं है। अच्छा, कृष्ण भगवान होते तो भला उनको इतनी गाली वाली क्यों मिलती थी? कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा देखा हुआ था तो उनको गाली मिली। अब ये भी तो बनाए दिया है ना, कृष्ण को गाली कभी देंगे? अरे ये इम्पॉसिबल है। जो सतयुग के कृष्ण को कोई कुछ भी कह सके या ऐसा गाली खाने का काम सतयुगी कृष्ण कर सके तो फिर ये सब बातें नॉनसेंस लिखी हुई है ना। बच्चे जानते हैं कि जहां भी सत्संगों में जाते हैं वहां नॉनसेंस बातें ही सुनते हैं और नॉनसेंस बुद्धि मूर्ख बुद्धि बनने के लिए जाते हैं। उसमें भी बड़ी मूर्खता क्या है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, थोड़ा गीत हम बताते हैं, गीत भी सुनाते हैं। वैसे गीत सुनाने की बाप को कोई दरकार नहीं है। वास्तव में बाप बच्चे पैदा करते हैं फिर उन उसको स्कूल में भेज देते हैं, बोलते हैं नहीं ये मेरे शकील दे बच्चे हैं, मैं स्कूल में नहीं भेजता हूं, मैं ही इनको पढ़ाता हूं। ये अफसरों के ऊपर पढ़ करके क्या जाकर पढ़ेंगे? वहां तो वो ही पढ़ेंगे जो पढ़ते आए हैं। ये अलग वे ICS BBC
अभी बाप तुमको क्या बैठकर पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं कि बच्चे तुम मनुष्य हो ना, और ये जानते हो ये सब नाटक है, और इस नाटक के हम एक्टर्स हैं, हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। ये शरीर यहाँ 5 तत्वों का बनता है, हम सभी आत्माएं तो परम धाम की रहने वाली हैं, जहाँ 5 तत्व होते ही नहीं हैं, जहाँ के बाप रहते हैं, जिस बाप को अभी दुख में याद करते रहते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, रहम करो। तो भला क्यों कहते हैं, गुरु के पास क्यों नहीं कहते हैं रहम करो? नहीं, वो पुकारेंगे फिर भी बहन। 8 जनवरी 1964 की वाणी का दूसरा पेज, बाबा ने समझाया है ना कि ये बात तो अलग है, वो जो भी सन्यासी या फलाना टेरा हैं, वो सब अलग अलग है। वो कहेंगे ये गुरु है, वहां नाम रूप है ना गुरु का, यहां फिर है शरीर, परंतु ये बोल देते हैं कि याद रख देना कि मैं इनमें प्रवेश कर रहा हूं, और मैंने बैठ करके तुम बच्चों को अपना परिचय दिया कि मैं कोई कृष्ण नहीं हूं। ये जो लिखते हैं कि कृष्ण ने गीता सुनाई, ये कहां से निकाला? तुम जब कहते हो कि रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो रुद्र तो निराकार हुआ ना, कृष्ण तो साकार हुआ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? साकार जो अभी मनुष्य सृष्टि है, वो तो जन्म मरण में आती है, पर सभी 84 के चक्र में नहीं आते हैं, और ना कोई मनुष्य जानवर बनते हैं, या कुत्ते बिल्ले बनते हैं, या फलाना बनते हैं। ये भी तुमको नॉनसेंस बात सिखला दी है, ऐसा बाप बैठ करके समझाते, ये सब तुमको बेवकूफी समझाते हैं तुमको मूर्ख बनाने के लिए। क्या मूर्ख बनाने के लिए समझाते हैं? कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म लेती है, मूर्ख इसलिए कहा कि 84 लाख योनियों का हिसाब तो कोई बता ही नहीं सकेगा, कल्प की आयु इसलिए लंबी दे दी है। एकदम जिसको बोलते हैं ना छस्सा छस्सा, माना बिल्कुल ही चट्ट खाते में। अब बाप बैठ करके समझाएंगे ना, ये तो तुमको क्या बनाई दिया है? अच्छा तुम बताओ, तुम बोलते हो कि ये जो शास्त्र हैं अनादि हैं, कब से अनादि है? सतयुग में तो तुम मूर्ख नहीं थे,
उसका नाम ही है सत्य युग। सत्ययुग में तो तुम्हारी महिमा है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो देखो याद तो करो अपने भारत को। भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा थी, ये सर्वगुण संपन्न। सिर्फ राजा की महिमा नहीं है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी दैवी गुण संप्रदाय, सर्वगुण संपन्न, और फिर यथा राजा रानी नो गुण एकदम। अभी दुनिया में देख लो, कहते हैं मैं निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा कह ही नहीं सकते हैं। तो फिर सभी प्रजा यथा राजा रानी तो नहीं हुए, उसमें सभी आ जाते हैं। बाप आकर समझाते हैं देखो सभी कितने मूर्ख हैं, यानी ये कैसे हो सकता है कि मनुष्य कहते हैं बाप ने हमको ऐसी बातें बताई। पुकारते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि बाप भी आया था। बरोबर शिव जयंती पर आया था, कब आया ये तो कह देते हैं कि सतयुग को लाखों वर्ष हो गए, यानी बाप को लाखों वर्ष हुए होंगे जबकि आया होगा। देखो घोर अंधियारे में है बिल्कुल ही। तो बाप आकर के इस घोर अंधियारे से सोझरे में ले जाते हैं। इसको कहते हैं ज्ञानंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेरे विनाश। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो, कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये बात ठीक है ना? अभी तुम जानते हो वहां नहीं तुम ये ख्याल से बैठेंगे, एक भी नहीं कोई सत्संग में बैठेंगे जिसके सामने कहें तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी इस सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने से हमको अथाह सुख मिलने का है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अभी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है जगदम्बा, जिसको कामधेनु कहा जाता है। अच्छा वो तो बैठती है झाड़ के नीचे, कल्प वृक्ष के पास बिठाते हैं, बोलते हैं ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, परंतु ऐसे थोड़े ही है। जैसे जगदम्बा अभी पूर्ण करती है, हमको पुत्र चाहिए, मांगते हैं ना? तुमने कभी मम्मा जगदम्बा से मांगा है, मम्मा हमको आंखें खराब हो गई हैं, हमको बच्चा चाहिए, हमारा पति बीमार है, वो उनको दवाई दे दो, उनके आगे कुछ कहेंगे नहीं? तुम जानते हो कि ये वही जगदम्बा है, ये ह्यूमैनिटी में है ना, वो भी तो मनुष्य के रूप में देखते हैं। खाली उन्होंने 10 हाथ दे दिए हैं और ऐसे देवी बनाए दिए, जैसे सरस्वती उनको बनाए दिया है, परंतु है तो नहीं,
क्योंकि ये तो पढ़ाती है। 8:164 की वाणी का तीसरा पेज तुमको समझाया भी जाता है कि बच्चे अभी बाबा आया हुआ है तुमको ले जाने के लिए। तुम किस लिए भक्ति करते हो? तुम भक्ति करते हो भगवान से मिलने के लिए, परंतु तुम सभी भगवान के पास कहां आकर के कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते हो क्योंकि पति तो हो, पति तो कोई परमधाम में आ जा सकेंगे क्या? क्या पतित परमधाम से यहां पार्ट बजाने आते हैं? वहां से तो पावन आते हैं, पीछे पतित होते हैं। माया पतित करती है, पतित बनाई देती है, तो तुम उड़ेंगे कैसे? देखो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम पतित जाए कैसे सकेंगे, कोई एक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया पतित है। अरे गांधी भी खुद कहता था ना, जो एकदम बड़ा लीडर था उसको भी अवतार मानते हैं, ऐसे ही कहा करता था। उनकी दिल भी ऐसी ही थी, क्योंकि गीता हाथ में थी ना। कहते थे पतित पावन सीताराम, पर तो चला जाता था रघुपति राघव राजा रामचंद्र के ऊपर चला जाता, जैसे वो सुना था अपने साधु संत महात्माओं से वैसे ही वो भी ताली बजाता था। हाथ में फिर भी गीता, मुख से बोलता था पतित पावन सीताराम, भाषण लेक्चर गीता का करते थे, पिछाड़ी में वो भोग उल्टा लग जाता था। उन विचारों को ये भी तो मालूम नहीं कि गीता किसने गाई, उनकी बुद्धि में था श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई। फिर बोलते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, भगवान वाच यानी कृष्ण भगवान ने सुनाया। ये ऐसे कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूं। अब बाप पूछते हैं मैंने तो कभी आगे नहीं कहा था कि मैं सर्वव्यापी हूं, कौन कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? किसने लिखा? कृष्ण गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई थी, मैंने सुनाई थी, तो मैं ही जानता हूं। क्या अभी प्रश्न पूछा ना? क्या प्रश्न पूछा? मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी मानते हैं ना, तो कहां की यादगार है? हैं? भक्ति मार्ग में जो भी गायन पूजन यादगार होते हैं, यादगार कहां की है? संगम युग की। तो संगम युग में ऐसा कौन सा समय होता है जो भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी की बात चल रही है? बाप कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं कहां व्यापी हूं?
कहाँ का वासी हूँ? मैं तो परम धाम का वासी हूँ। परंतु मैं ये बात सुना सकता हूँ कि सर्वव्यापी कैसे था, जिस तन में प्रवेश करता हूँ उस शरीरधारी को अंत समय में जब सारी दुनिया का विनाश होता है तो सब याद करते हैं। सबकी बुद्धि में कौन बैठ जाता है? निराकार बैठता है, बिंदु बैठता है, या बिंदु जिसमें प्रवेश करता है वो बैठ जाता है। कौन सबकी बुद्धि में व्यापक हो जाता है? हैं? बिंदु परम पिता शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो सारी दुनिया की बुद्धि में व्यापक हो जाता है। जो साकार में निराकार को याद करते हैं वो तो है ही श्रेष्ठ आत्मा। जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं उनकी बुद्धि में भी साकार ही बस जाता है। अंत समय की बात है, अंतकाल का ही गायन है। अब कृष्ण इन बातों को क्या जाने? तुम कृष्ण कैसे कह सकते हो गीता का भगवान? जब कृष्ण ही नहीं है तो जो लिखा हुआ है वो सभी रंग है। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं सर्वव्यापी हूं। देखो मैं यहां तो कह रहा हूं ना, भगवान सर्वव्यापी है, है? कह रहा हूं नहीं? भला सर्वव्यापी से क्या फायदा होता है, है? क्या फायदा होता है? अरे सर्वव्यापी कहने से, सर्वव्यापी मानने से या सर्वव्यापी हो जाने से कोई फायदा होता है? बोलते रहते हैं सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्वव्यापी, फिर उनको क्यों याद करते हो? बाप को क्यों याद करते हो? परमपिता को क्यों याद करते हो? क्यों कहते हो हम सभी ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड हैं? ब्रदर्स हैं तो जरूर बाप होना चाहिए ना। ब्रदरहुड हैं क्या? तुम सर्वव्यापी हो तो कहो हम सभी फादर्स हैं। तो फिर फादर को कैसे फादर से वर्षा मिलेगा? ये तो हो भी नहीं सकता है। अरे बाप खुद पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है कि मैं सर्वव्यापी हूं? गीता में। अब गीता किसने सुनाई? कृष्ण। ये तो झूठ। गीता तो मैंने गाई थी। मैं सहज राजयोग सुनाने के लिए फिर आया हूं। ये कहता ही कौन है? मैं जब आया हूं तब कहता हूं। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। मैं आया हुआ हूं तुम बच्चों को फिर राजयोग सिखलाने, इसमें सर्वव्यापी की बात ही क्या है? सर्वव्यापी सर्वव्यापी करते करते तुम आकर के बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए। सर्वव्यापी कहने से तुमने पत्थर में हमको ठोंक दिया। तुमने सबसे जास्ती मेरी ग्लानी की है। इसलिए पत्थर बुद्धि कौड़ी तुल्य बन गए हो।
ये ड्रामा है, फिर भी ये ड्रामा तुमको ऐसा ही पत्थर बुद्धि बनाएगा। ड्रामा है ना, अभी आया हूं तुमको समझाने के लिए कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, ना मैंने कभी कहा है, और फिर ये शास्त्र लिखे हैं मनुष्यों ने, परंपरा से ये ज्ञान चलता नहीं है, इस्लामी है परंपरा चलता है, क्योंकि वो रचयिता है अपने धर्म का। सो भी सिर्फ अपना धर्म रचता है, करता तो और कुछ भी नहीं है, ना बौद्ध ना इस्लाम ना क्राइस्ट ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर या फलाना, कुछ भी काम के नहीं है। काम का फिर कौन है? ये सब भरतनाट्य पहनी है। किन किन का नाम लिया है? जिनकी एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। न इब्राहिम न बुद्ध न क्राइस्ट न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, सब भरतनाट्य पहनी। जब तक बाप आकर के इनको पाउंड न बनाए, 8 जनवरी 1964 की वाणी का चौथा पेज, इनमें से कोई की भी महिमा नहीं है। लक्ष्मी नारायण की काय की महिमा है? बाप पूछते हैं, अरे लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना, तो उन्होंने क्या किया? वो सब तो पतित थे, ऐसी बात कोई दूसरा थोड़े ही बताएगा। कैसी बात है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये सब क्या थे? पतित थे, और लक्ष्मी नारायण तो मालिक थे, फिर माया ने उनको पतित बनाया। वो पतित है अभी मेरे से ज्ञान ले रहे हैं, वो ही कृष्ण जिसके लिए कहते हो कि कृष्ण ने गीता सुनाई। अब सतयुग से कृष्ण तो आ भी नहीं सकते हैं। कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग कर इस समय में पतितम प्रधान बनी है। अभी सिर्फ कृष्ण की तो बात नहीं है, बाबा बोलते हैं सबकी आत्मा पतित है। जो भी इन पर्टिकुलर देवी देवता धर्म वाले थे वो सब बैठ करके यहां अपना राजभाग ले रहे हैं, वो ही सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन रहे हैं। जो तुम झूठी झूठी कथाएं सुनते आए थे जिनमें कुछ सार नहीं था, कथाएं सुनते आए हो सुनते सुनते यहां तक कि इतनी आफताएं आकर के सिर पर पड़ी एकदम। अभी तो मौत एकदम मुख खोल करके खड़ी है। वो शंकर अपनी आंखें खोल करके ये सब खत्म करा ही देंगे। शंकर के लिए कहते हैं ना कि जब तीसरी आंख खोलते हैं तो सब खलास कर देते हैं। तो वो इस समय में है ना, कौन
कौन इस समय में है ना, किसकी बात हो रही थी है? अरे शंकर की बात हो रही थी ना, वो इस समय में है ना, बरोबर है, तुम बच्चे जानते हो। तो बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, यहां तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये गैया किसकी हैं? ये तो शिव बाबा की गैया है ना, तो ब्रह्मा के तन से गैयों को घास खिलाए रहे हैं। कौन खिलाए रहे हैं? शिव खिलाए रहे हैं, न ब्रह्मा खिला रहे हैं न कृष्ण खिलाए रहे हैं। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, ये इनको ये ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई घास वास नहीं है, कोई जानवर थोड़े ही है। काहे का ज्ञान? राजयोग और ये षष्ठी चक्र का ज्ञान। बहुत ऐसे शास्त्र हैं जिनमें चक्र लिखा है, चक्र दिखलाया है, परंतु कोई ने आयु लाखों वर्ष 10 लाख वर्ष कर दी। अभी आजकल कई कई निकले हैं जो बोलते हैं नहीं 5000, कोई 5500। अभी आस्ते आस्ते खुलते जाते हैं, जिन्होंने जिन्होंने थोड़ा लिखा है खोजते जाते हैं। हाँ, ये शास्त्र में तो बरोबर था, अभी बोलते रहेंगे कहां न कहां से आवाज निकलती रहेगी। कोई आया हुआ है, ऐसा समय देखने में आता है। कोई आया है, अभी कोई कृष्ण तो नहीं आएगा ना। जो भी देवी देवता हैं वो सभी पतित हैं, एकदम भरतनाट्य पहनी, कोई काम की नहीं। भले मंदिर में बैठे हुए हैं, परंतु वो तो पत्थर की मूर्ति है, उनकी आत्मा कहाँ है? मनुष्य समझते हैं कि आत्मा बैकुंठ में है। अरे बैकुंठ में कहाँ बैठेगी? बैकुंठ तो अभी दुनिया में कहीं है ही नहीं, बैकुंठ तो इसी दुनिया में होता है ना, यहाँ कहाँ है उनका शरीर? उनकी जीवात्मा कहाँ है? लक्ष्मी नारायण की जीवात्मा कहाँ है? हाँ वो थी तो कहाँ गई है? पर उनको 84 जन्म तो भोगना है ना। सबसे पहले से पहले नंबर में 100 भी कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि नहीं तो मनुष्य मुझाए देते हैं। राधे कृष्ण सोई लक्ष्मी नारायण पूरे 84 जन्म भोगते हैं। और यह था राजा रानी तथा प्रजा, जिन्होंने पूरे 84 जन्म भोगे वो ही पहले आकर के फिर राज भाग लेंगे, और दूसरे साहब को उसके पीछे आना है, क्योंकि इतने जन्म नहीं भोगते हैं। कौन लक्ष्मी नारायण सबसे जास्ती जन्म भोगते हैं, उनके पीछे आने वाले इतने जन्म नहीं भोगते हैं। वो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन जो भी मठ पनते हैं, या सिख धर्म है, सन्यासियों का धर्म है, फलाना है, ये सब पीछे आते हैं। जो जो है फिर अपने अपने धर्म में आएंगे। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, सभी आत्माएं वहां ऊपर में जाएंगी और सभी फिर वापस आ जाएंगी ना, क्योंकि फिर से पार्ट बजाने के लिए उनको नीचे आना है, पार्ट बजाना है।
तो वहां भी सेक्शंस है ना, अपने अपने सेक्शंस के अनुसार आगे पीछे आते रहते हैं। हाँ ठीक, 64 की वाणी का 5वां पेज। जैसे ये धर्म है ना इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस, तो ऐसे ये सूक्ष्म झाड़ ऊपर में भी है, हैं सभी परम धाम में, परंतु वो आत्माएं अपने अपने सेक्शंस में जाकर के रहेंगी और एकदम सीरियल में रहेंगी। उसी सीरियल से नंबरवार इस सृष्टि पर आती रहेंगी, पहले क्राइस्ट, फिर उनके सब जो भी हैं फॉलोअर्स, परंतु इतना चित्र में तो नहीं दिखला सकते हैं, इतने लाखों करोड़ों को थोड़े ही दिखला सकेंगे चित्र में। तो ये बुद्धि से काम लेना है कि क्राइस्ट की सेक्शन अपनी, उसमें जो भी क्राइस्ट धर्म वाले होंगे सच्चे पक्के पक्के, वो दूसरे तो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फिर निकल आएंगे। जो जो असल वाले क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्राइस्ट के सेक्शन में जाकर रहेंगे, तो नंबर वार सेक्शन से हैं। पहले पहले है शिव बाबा का सेक्शन, देखो बाबा समझाते हैं, पीछे है ब्रह्मा विष्णु शंकर, पीछे आओ नीचे तो जगदम्बा का, तो वो नीचे में आ गई। वो तो संगम युग की आ गई ना, पीछे है संगम युग में, फिर ये जगदम्बा संगम युग की। अभी कोई शास्त्रों में तो लिखा नहीं है, कोई समझा भी नहीं सके कि जगदम्बा ऐसे भारत पर इस समय में थी, है कोई ऐसा दुनिया में, कभी कोई सुना ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं। जगदम्बा का इतना बड़ा मेला लगता है, लक्ष्मी का कोई मेला थोड़ा ही लगता है, किस बात की यादगार है, जगदम्बा का बड़ा मेला लगता है और लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। जब आती है दीपमाला तो लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, तो मेला किस बात की यादगार है, हैं? जरूर संगम युग में ही जगदम्बा ने मिलन मेला बाप से मनाया है, वो लक्ष्मी की यादगार नहीं है, वो तो घर में बैठ करके सफाई कर देते हैं, क्योंकि जगदम्बा जो लक्ष्मी बननी है उनके लिए फिर सफाई चाहिए, कचड़पट्टी नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों के लिए जो देवता बनने वाले हैं उनको आना है ना नई दुनिया में, तो सफाई चाहिए, तो ये है बेहद की सफाई। वो हद की सफाई हर एक घर घर में करते हैं, कहते हैं कि आज लक्ष्मी आएगी। भारत में ये रस्म रिवाज है, ये कहां से चली आती है, है? ये सारी भारत में जो रस्म रिवाज यादगार गायन पूजन चलते चले आ रहे हैं वो कहां की यादगार हैं? और कोई धर्म में रस्म रिवाज नहीं है, सब अपने घर में लक्ष्मी दीपकों को सजाएंगे
फिर क्या करेंगे? लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, पैसा तिजोरी में या कहां भी रखेंगे, ये बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, ये भावना रखेंगे और लक्ष्मी को याद करेंगे। बस जैसे रावण को बरस बरस लाते हैं, वैसे लक्ष्मी से बरस बरस कुछ न कुछ मांगेंगे। जगदम्बा के लिए ये लिखा हुआ है, लक्ष्मी के लिए कभी नहीं कहेंगे कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, है? क्यों? लक्ष्मी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली क्यों नहीं है और जगदम्बा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली क्यों है? तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? है जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है जगदम्बा, वो श्रेष्ठ है, या सिर्फ एक मनोकामना धन की पूरी करती है वो लक्ष्मी श्रेष्ठ है? है कौन? लक्ष्मी सिर्फ एक मनोकामना पूरी करती है इसलिए श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो एक मनोकामना वो पूरी करती है जिस मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान बाप आते हैं, और दुनिया की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान बाप नहीं आते हैं। देखो कितना फर्क है, महिमा माताओं की करनी चाहिए। सन्यासियों ने बहुत तिरस्कार करके लिख दिया है अपने अपने शास्त्रों में, समझाया है कि भारत जब वाम मार्ग में जाता है तब रावण राज्य शुरू होता है तो एकदम हाहाकार मच जाता है, बिल्कुल ही अर्थ के एक हो जाता है। तो फिर इसको थमाने के लिए, पवित्र रखने के लिए ये ड्रामा के अंदर निवृत्ति मार्ग वालों का पार्ट नुदा हुआ है। इसको कहा जाता है रजोगुणी सन्यास। रजोगुण में ही आते हैं, रजोगुणी हैं, और निवृत्ति मार्ग का सन्यास है। ये सन्यास मार्ग शंकराचार्य का प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं है कि तुम्हारा बेहद का सन्यास है प्रवृत्ति मार्ग का। बाप आकर के स्त्री और पुरुष दोनों को हथियाला बांधते हैं, भगाते नहीं है। इन लोगों के जो शुरुआत में आए हैं ना, बच्चियां आई हैं, परंतु उन लोगों को समझाना चाहिए कि लिखा हुआ है कि बरोबर कृष्ण ने यानी गीता के भगवान ने फलानी फलानी भगाई, उनका अर्थ भी तो समझाना चाहिए ना। है कृष्ण भगवान ने फलानी फलानी को भगाया, किनका किनका नाम आता है, उनके नाम प्रसिद्ध है ना शास्त्रों में जिनको भगाया, कौन कौन? कहते हैं रुक्मिणी को भगाया, सत्यभामा को भगाया। अब समझाना चाहिए ना क्यों भगाया है। राधा के लिए कहते हैं भगाया, राधा के लिए नहीं कहेंगे भगाया। अच्छा भला भट्टी कहां से बनी? भट्टी भी तो लिखी हुई है ना, ज्ञान की भट्टी जिनमें पक्के हो गए,
तो ये ज्ञान की भट्टी है ना, कोई ईंटों की भट्टी तो नहीं है ना। उन लोगों ने तो ईंट की भट्टी समझ लिया। बिल्ली के पुंगरे अंदर में बैठे थे, ईंटें पक गईं, तो बिल्ली जीते जी निकल आई। अब देखो ईश्वर की कुदरत, ये कुदरत है ना ईश्वर की। ऐसे समझते हैं। 8:164 की वाणी का छठा पेज। यहां बाबा की कोई कुदरत वुदरत नहीं है। बाबा तो कहते हैं, ओ माय डियर चिल्ड्रन, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं आता हूं तुम बच्चों को ऊंच ले जाने के लिए, ऊंच बनाने के लिए। मैं आता ही हूं साधारण रूप में, तो मेरे को कोई विरला जान सकते हैं। अगर कृष्ण होता तो बात मत पूछो, अगर कृष्ण है ऐसा कहते हैं तो कौन है भला। अब ये बात कोई बतावे, किसने कहा कभी, किसने सुनाई। कृष्ण तो इम्पॉसिबल है कि कृष्ण कोई पतित दुनिया में आया या द्वापर में आया। अच्छा, द्वापर में आया तो क्या द्वापर में महाभारत की लड़ाई लगी और द्वापर में एक धर्म की स्थापना हुई क्या, कि अनेक धर्म हो गए। नाम ही है द्वापर, द्वैतवादी युग है ना। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी तो बिल्कुल रांग है ना। द्वापर के पीछे तो कलयुग आता है, तो एक धर्म की स्थापना कहां हुई, सद्धर्म की स्थापना कहां हुई। कलयुग में तो और ही अनेक धर्म आ जाते हैं और ही पतित दुनिया आती है। द्वापर के पीछे तो महाभारत की लड़ाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई से स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि ये गीता से ताल्लुक रखती है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म कल्प के संगम पर है। सो भी कलयुग और सतयुग के संगम पर, तो संगम युग द्वापर में कहां से आया, भगवान द्वापर में कैसे आया। कितनी भूल है, अति की भूलें हैं यहां, नहीं तो पूछना नहीं चाहिए कि किसने कहा सर्वव्यापी, कहां लिखा हुआ है। कहेंगे भाई गीता में है, किसने कहा, कृष्ण। झूठ बोलते हो, कृष्ण ने कहा ही नहीं है। भगवान वाच, मैंने तो कहा नहीं, मैं अभी भी कहता हूं सर्वव्यापी जो कहते हैं वो नंबर वन डैम फूल है। देखो, जब सर्वव्यापी कहते हो तो फिर ओ गॉड फादर ये किसको कहते हो, यह फादर तो है ना। ये स्वर्ग कौन स्थापन करेगा, हेवनली गॉड फादर, नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये इंग्लिश लोग तो फिर भी अक्षर आक्षे देते हैं, हैविन स्थापन करने वाला हेवनली गॉड फादर, तो जरूर गॉड फादर ये हैविन स्थापन करेगा।
तो जरूर फादर ही इनहेरिटेंस सौगात देगा ना। कब देंगे? जरूर संगम युग पर, जब कलयुग अंत सत्यु की आदि होगी। अब गीता द्वापर में तो पढ़ नहीं सकते हैं। कौन कहते हैं मैं द्वापर में आया था? द्वापर में कैसे आऊंगा? द्वापर में आकर के सारी दुनिया को पावन कैसे बनाऊंगा? सारी दुनिया में तो अनेक धर्म होते हैं। अति के मत मतांतर हो जाते हैं। तो मैं जरूर कलयुग अंत में आऊंगा। द्वापर में आना है, ये तो हो ही नहीं सकता है। द्वापर के बाद तो और ही पतित बनते जाते हैं कलयुग में। और पतित बनना ही है, कोई को वापस जाने का नहीं है। कायदा है कि जब ड्रामा पूरा होता है तो सब एक्टर्स सरसों के माप एक पिस जाने वाले, क्योंकि बहुत है ना, एकदम बहुत, ये सब खत्म हो जाने वाले। मौत की चक्की फिरती है, बिल्कुल त्राही त्राही होती है। तो यहां कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में बम का एक्सीडेंट हुआ, कितने किसके लिए रोए? कोई रोए क्या? सभी माँ बाप बच्चे जो भी घर के अंदर थे सभी के एकदम खत्म, तो कौन रोएगा? किसने किसके लिए रोया? किसने पिंड बढ़ाए और किसने बैठ करके ब्राह्मण खिलाया? कुछ भी नहीं। अच्छा ये बात छोड़ो, बाबा आते हैं थोड़ा ब्राह्मणों के ऊपर समझाने के लिए, पितर खिलाते हैं, पति मरा आह्वान किया, ब्राह्मण को भोजन भेजा और ब्राह्मण आया। आगे तो पितर आते थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वर गीता पढ़ी होगी उनको मालूम होगा इनमें इन पितरों का बहुत लिखा है। वो आकर के बोलते हैं, बहुत तीर्थों पर पितर बुलवाए जाते, अभी तो आजकल कोई को बोलते भी होंगे। अच्छा जब ब्राह्मण आते हैं वो समझते हैं हमारे पति की आत्मा आई, पति की आत्मा आई तो शरीर के सहित तो नहीं आएगी ना, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया। आठ एक 64 की वाणी का सातवां पेज, जरूर पति की आत्मा आई है तो ब्राह्मण द्वारा पति को भोजन दिया, ब्राह्मण द्वारा ही देंगे, कायदा ही है। पति को बुलाया है, उस समय मैं जब बैठ करके खिलाती है तो वो किसका ध्यान धरती है? पति का ध्यान धरती है। अब पति का शरीर तो चला गया, बाकी रही आत्मा, तो जरूर उनमें आत्मा का आवाहन होता है। जो बैठ करके खाते हैं, कभी वो कहते हैं तृप्त हुआ, तो आत्मा सच सच बोलती है कि हाँ मैं तृप्त हुआ। यानी ये ड्रामा में है, ये कहां से आई आत्मा उस ब्राह्मण के शरीर में? भावना है ना, तो उनको भावना का थोड़ा भाड़ा मिल जाता है और बोल भी उसी के पीछे, उसी के बोल होते हैं ना। ये ड्रामा में नूंद है पहले से,
दो आत्माएं कैसे हो गईं? कहां से आत्मा आई और किसमें थी? क्या वो मर गया जो इसमें आई है और बोलती है? तो ये सब रसम रिवाज कहां की है? क्योंकि बाबा जो यहां आते हैं वो भी तो इसमें आकर के प्रवेश करते हैं, और कभी कभी यहां बच्चों में भी प्रवेश करके किसको दृष्टि भी देते हैं, क्योंकि उनको ये सर्विस करनी है। कोई जिज्ञासु अच्छा है, बच्चे में इतनी ताकत नहीं है, उनका बहुत भला होना है, तो बाबा जाकर के उनमें भी समझाने के लिए प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना, अभी पतित और पावन की तो बात ही नहीं है। पतित तो सभी हैं, प्रवेश करके मुरली भी चलाए देंगे, उनको बैठ करके दृष्टि भी दे देंगे, ज्ञान में भी चले जाएंगे। ज्ञान में चले जाते हैं, शिव बाबा की याद में बैठते हैं, उनको यहां डायरेक्शंस तो मिलता है कि शिव बाबा बैठेंगे। जब वहां ही उन लोगों को ये ब्रह्मा का दीदार कराया है, कृष्ण का दीदार कराया है, जब कृष्ण का दीदार हुआ जैसे कि बैकुंठ में बैठे, कृष्ण देखते हैं, बालक देखते हैं, तो घर बैठे भी बाबा इस समय में ये सब दिखाते हैं। तो इन्होंने कोई तपस्या थोड़े ही की है, ये तो बहुत हैं, ढेर के ढेर। उन्होंने कोई नौदा भक्ति थोड़े ही की है जो उनको साक्षात्कार हुआ। बाप आया हुआ है तो आकर के वो बच्चों को सिखलाते हैं कि जाओ ब्रह्मा है, उनके पास जाएंगे तो तुमको वहां का मालिक बनाएगा, प्रिंस और प्रिंसेस बनाएगा, जाओ उनके पास। तो वो ब्रह्मा का भी बहुतों को दीदार कराने वाला है। कहां की बात बताई? अभी भी ब्रह्मा कुमारियां साक्षात्कार में जाती है ना, तो ब्रह्मा का सूक्ष्म बतन में दीदार करती है ना, तो इनको थोड़ा ही मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं कि ये सब काम मैं कराता रहता हूं, बहुतों को ढेरों को साक्षात्कार कराता रहता हूं, तो मैं आता हूं, मैं कोई कृष्ण थोड़े ही हूं। ओम शांति।